नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणपत चौधरी और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बोया का माइक का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताने वाला हूं। ये वाला जो बॉक्स पैकिंग है इसी पाउच में आता है, इसको मैंने पहले से ही खोल दिया। ये वाला ये रहा, इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग और आपको रिव्यू बताने वाला। वो है मेरे 1 kg के हेडफोन के माइक्रोफोन के द्वारा आ रही है और अभी मैं कुछ देर बाद इसी से जो आपको बताने वाला हूँ करके आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए ताकि मैं जो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये है वो बोया का माइक जो कि आपको कुछ इस प्रकार से बैक बॉक्स पैकिंग के साथ आता है। बॉक्स मैंने पहले से निकाल दिया है, इसका पाउच है जो कि पाउच में कुछ इस तरीके से ये होता है। ये है बोया का माइक जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। अभी अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो इसी बोया के माइक से सुन रहे हो। नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। ये वाला इसका आगे का पोर्शन है जो कि आप शर्ट पर टांग सकते हो। उसको हुक करने के लिए आपको क्लिप दी गई है जिसके माध्यम से आप शर्ट पर हुक कर सकते हो। इसको ग्रिप काफ़ी बढ़िया है। आगे वाले भाग पे इस पर कुछ चिटा हुआ है। यह है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इस पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। आप अपने स्मार्टफोन या कैमरा दोनों के साथ में कनेक्ट कर पाओगे इसी के माध्यम से। ये बटन है, आप इसको स्लाइड करके जो भी चाहो वो यूज कर सकते हो। यह है बोया की ब्रांडिंग और इस पर एक क्लिप लगी हुई है जिसके माध्यम से आप अपने पैंट तक कहीं भी टांग सकते हो। इसको हुक कर सकते हो आप बड़े आराम से। इसकी केबल काफ़ी लंबी है जो कि तकरीबन 20 फीट की रहेगी। यह 3.5 mm हेडसेट जैक जो कि आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके इसको यूज कर पाओगे। इसके तार की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये वाला बिल्ड क्वालिटी काफ़ी, मैं इम्प्रेस हूँ इस वाले के जो कि बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। इसके ऊपर का कवर मैंने निकाल दिया है जो कि अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस कैप को आप इजीली निकालो और आराम से फिट भी कर सकते हो जो कि इस प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यह है बोया का माइक जो कि मैंने अमेजोन से 1300 रुपये में परचेज किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। ये वाला इसका बैटरी कंपार्टमेंट है जहाँ पे इसको खोल कर इसकी बैटरी लगा सकते हैं। इसकी बैटरी तकरीबन आपको 8 से 9 महीने का पहले बैक टाइम मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे बैटरी काफ़ी लंबी चलती है इसकी। इसके बॉक्स पैकिंग में एक और साथ में आता है पाउच के अंदर जो कि आप साउंड बार के साथ में यूज कर सकते हो अथवा किसी माइक में आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े इसको लगा सकते हो। आगे का भाग साउंड बार में लगाया और पीछे में 3.5 mm हेडसेट जैक के लिए दिया गया है जहाँ पे बोया का माइक आप कनेक्ट करके इसको आराम से चला सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से 3.5 mm ऑडियो जैक इसके अंदर डालेंगे। काफ़ी टाइट है ये वाला, ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा आपको। ये कुछ इस प्रकार से होगा ये वाला। इसका आगे का पोर्शन कुछ डिफरेंट है, अभी मैं जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बोया के माइक से ही हो रही है। ये वाली जो वॉइस है मैं अपने स्मार्टफोन के साथ वीवो का नेक्स है उससे हो रही है, तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। इसका फिजिकल और भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं वापस बोया का माइक से डाल रहा हूँ अंदर। ये आवाज़ जो हो रही है बोया का माइक से हो रही है, आपको वॉइस में डिफरेंट पता चल जाएगा, चल गया होगा। इसकी तार काफ़ी लंबी है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, 20 फीट तक लंबी है इसकी।